जी फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गबाला के बारे में। गबाला जो है वो बाकू से कितने किलोमीटर दूर है, गबाला की आबादी कितनी है, गबाला में क्या क्या बिज़नेस कर सकते हैं, और गबाला की ब्यूटीफुल लोकेशंस का आपको विज़िट कराएंगे। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और दूसरा ये कि अगर आप गबाला जाना चाहते हैं तो आपको ये भी बताएंगे कि बहुत ही कम पैसों में आप गबाला का रोड ट्रिप कैसे कर सकते हैं। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। जी फ्रेंड्स, तो अगर आप बाकू से गबाला जाएंगे तो ये टोटल जो इसका जो सफ़र होगा वो 2.5 से 3 घंटे का हो सकता है। यहाँ पे अगर किलोमीटर्स की बात करें तो ये 220 किलोमीटर है, तो 2.5 से 3 घंटे आराम से एक प्राइवेट कार में लग जाते हैं यहाँ से बाकू से गबाला जाते हुए। अगर आप एक दिन का ट्रिप करें तो समय लें 3 घंटे जाने के, 3 घंटे आने के, तो 6 घंटे जो हैं आपके सफ़र में गुजर जाएंगे। तो बाकी 5 से 6 घंटे जो हैं आप अपना ट्रिप एंजॉय कर सकते हैं। तो एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए अगर आप वहाँ स्टे करना चाहें तो स्टे भी कर सकते हैं। अच्छे अच्छे होटल हैं वहाँ पर, आप स्टे भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं वेदर की। अगर तो आप अप्रैल से सितंबर के बीच में आएंगे तो ये जो है समर का टाइम है, तो यहाँ पे नॉर्मल मौसम होता है, सर्दी नहीं है। लेकिन अगर आप विज़िट करते हैं अक्टूबर से लेके मार्च के बीच में तो ये जो टाइम होता है ये काफ़ी जो है ठंडा वेदर होता है, विंटर स्टार्ट हो चुका होता है। अगर तो आपने अपना विंटर का मज़ा दोबाला करना है गबाला में तो फिर आपको जो है दिसंबर, जैन एंड फेब में विज़िट करना चाहिए, क्योंकि ये वो टाइम है जब यहाँ पे स्नोफॉल हो रही होती है, तो आप जो है खूब इंजॉय कर सकते हैं।
गबाला जो है ये एक छोटा शहर है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है और यहाँ की आबादी भी कोई ज़्यादा नहीं है। 12,000 से 15,000 के बीच में यहाँ पे यहाँ की आबादी है। और यहाँ के जो लोग हैं ये काश्तकारी करते हैं, एग्रीकल्चर का काम करते हैं और टूरिज़्म का काम करते हैं। ये दो पेशे हैं, ये दो कारोबार हैं जो यहाँ के लोग करते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं तो इसीलिए यहाँ के जो मकामी लोग हैं उन्होंने अपना जो लोकल फूड है वो यहाँ लगाते हैं। ऑन द वे रोड पे, हाईवे पे इन्होंने अपना लोकल फूड लगाया होता है, स्टॉल लगाए होते हैं, हट लगाए होते हैं, तो वहाँ पे टूरिस्ट जो है वो रुक के खाना खाते हैं। एक तो देखें नेचुरल ब्यूटी है, ट्रीज़ होते हैं, ग्रीनरी है, क्या ज़बरदस्त लुक होता है। तो वहाँ पे आप बैठ के लोकल फूड इंजॉय कर रहे होते हैं बैठ के, तो मज़ा आता है। अभी हम भी खाना खाने लगे हैं। ये एक लोकल फूड का ढाबा टाइप का है, इसको आप ढाबा बोल सकते हैं, हट बोल सकते हैं। अभी हम ट्राई करने लगे हैं, आ जाएं देखें, आप भी बताएं कैसा है। यहाँ पे गबाला में आए हुए हैं हम लोग, गबाला आज़रबैजान। और ये देखें ये पराठा है यहाँ का, ये हम लोग खा रहे हैं। ये कौन सा पराठा है? धनिया वाला, धनिया बटर पराठा है जी। ये देखें जी यहाँ पे हम लोग, ये लंच हो रहा है ना, ये तो नाश्ता तो होटल में हो गया था ना। ये जी लाइव कुकिंग हो रही है यहाँ पे, लाइव कुकिंग। कैसा है टेस्ट, कैसा है? ये लाइव कुकिंग चल रही है, ये देखें। सजाद खाया? अच्छा, ऑयल ज़्यादा ऑयली तो नहीं? अच्छा, ऑयल के बगैर आ नहीं ठीक, ऑयल के बगैर। हाँ मेथी है, सारा जो वही हमारे देसी है। अरे मेथी वाला, मेथी वाला। तो जी अब थोड़ा सा तीरंदाजी और कुछ एक्टिविटीज़ जिसमें गन शूट, लेक का टूर, ब्यूटीफुल वेदर, ब्यूटीफुल व्यू, ये सब करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता अब हम अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा। तो जी फ्रेंड्स हमने गाड़ी कैसे बुक की गबाला के लिए, कोई 250 बोल रहा था, कोई 200 बोल रहा था, तो फाइनली हमने 150 में बुक की। तीन चार लोगों को हमने डिफरेंट डिफरेंट जगहों से चेक किया, तो फाइनली हमें एक बंदा जो कि 150 में मिल गया। तो आप भी कोशिश करें डिफरेंट डिफरेंट लोगों से चेक करें, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से बार्गिन करें, तो आपको जो है डेफिनेटली जो है कम पैसों में कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा। कोशिश करें जहाँ से आपके रेफरेंस बन जाते हैं, रिलेशन बन जाते हैं, आप वहाँ से ही करें। हमने अपने रेस्टोरेंट जहाँ से हम खाना खाते थे जाके डेली, वहाँ से बुक करवाया था, उस बंदे से हमें सस्ता मिल गया था। तो आप भी कोशिश करें रेफरेंस के थ्रू करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी फ्रेंड्स तो फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। लुक एट व्यू, व्हाट अ फॉगी वेदर। अभी अभी बारिश हुई है यहाँ पे और एकदम जो है यहाँ पे सर्दी भी बढ़ गई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का वेदर है। जी फ्रेंड्स तो यहाँ पे एक केबल कार भी है जिसके थ्रू आप टॉप से जो है व्यू देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। बट अभी क्योंकि वेदर अच्छा नहीं है तो हम लोग ये यूज़ नहीं कर पा रहे, बट आप जब भी विज़िट करें यहाँ पे गबाला में तो वेदर अच्छा हो तो आप ज़रूर जो है ये केबल कार का विज़िट ज़रूर करें, ताकि आप टॉप से जो है गबाला का पूरा व्यू जो है वो आप इंजॉय कर सकें।